रुद्रपुर के भूरानी क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती पर लोगों का पारा चढ़ गया। उन्होंने भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा के नेतृत्व में अधीक्षक अभियंता के कार्यालय पहुंचकर घेराव किया और जमकर खरी खोटी सुनाई। आपूर्ति सुचारू नहीं होने पर सीएम से शिकायत की चेतावनी भी दी। इस मामले को लेकर अभियंता ने तुरंत अधीनस्थ अधिकारियों को मौके पर तलब किया और व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। बता दें कि भूरानी क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से सुबह 9 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक विद्युत कटौती की जा रही है। भीषण गर्मी से लोगों का जीना दुर्भर है। इस पूरे मामले से भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा को अवगत कराया गया है, जिसके बाद विकास शर्मा ग्रामीण के साथ अधीक्षक अभियंता शेखर त्रिपाठी के कार्यालय जा धमके और घेराव कर दिया। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। आज यहाँ भूरानी क्षेत्र की विद्युत समस्याओं को लेकर हमने एससी शेखर त्रिपाठी जी से मुलाकात की थी और बहुत लंबे समय से वहाँ विद्युत की बहुत जर्जर व्यवस्था है, ट्रांसफार्मर बदलने वाले हैं और लोड बहुत ज़्यादा है। तो आज एससी ने, जब मैं यहाँ पर पहुँचा उनसे बात हुई, तो एससी ने मौके पर ही वहाँ पर कानपुर के फीडर के जो एसडीओ हैं, जेई है, एक्शन है, उन सबको यहाँ मौके पर बुलाया और सबसे बात हो गई है और उन्होंने 3 दिन का समय मांगा है कि 3 दिन के अंदर सारी विद्युत व्यवस्था को सुचारू कर दिया जाएगा। और मैंने भी ये निर्देश दे दिया है कि यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर विद्युत की चिंता कर रहे हैं, विद्युत की व्यवस्था उन्होंने कर रखी है, कहीं विद्युत की कोई कमी नहीं है। अगर अधिकारी अच्छा काम करेंगे तो हम उन्हें सम्मानित करेंगे, लेकिन अधिकारी इस प्रकार की लापरवाही करेंगे तो यहाँ रह नहीं पाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस प्रकरण से अवगत कराऊंगा और 3 दिन के अंदर अगर सारी व्यवस्थाएँ ठीक नहीं हुई, मैं शहर के समस्त क्षेत्रवासियों को भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि उनके क्षेत्र में कोई समस्या है विद्युत की तो मुझे अवगत कराएं, क्योंकि सरकार की तरफ से विद्युत की कोई कमी नहीं है। उत्तराखंड में भरपूर बिजली है, लेकिन इन लोकल क्षेत्र में अधिकारियों द्वारा कहीं भी लापरवाही बरती जाएगी उन्हें हम बख्शेंगे नहीं, और जो अधिकारी अच्छा काम करेंगे उन्हें सम्मानित करेंगे और जो इस प्रकार लापरवाही करेंगे उनका उधम सिंह नगर से स्थानांतरण करवाया जाएगा।